आई मीन क्यूब फॉर्म में चारों तरफ एड्स ही चल रहे, कुछ अलग ही लेवल है यार क्रिएटिविटी का, मजा आ गया। हाय, आई एम फ्रॉम इंडिया। बंदी? हाँ यू आर बंदी आई नो, बट ये मस्ती देख लो, मतलब जोरदार है। गिरा मत देना। अरे अरे ये भाई सीढ़ी है भाई, संभाल। भाग जा बेटा, भाग जा भाग जा। शीशी प्लीज प्लीज। चाइना आने से पहले ना सच में ऐसे ही लगता था कि इंडिया जितनी जनसंख्या है, इंडिया जैसी पॉपुलेशन है, तो हर जगह ट्रैफिक मिलेगा, मेट्रो में भीड़ मिलेगी। लेकिन नहीं भाई, ये तो विपरीत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही उस हिसाब से बनाया है चाइना ने। एनीवेज गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में चाइना सीरीज के। जैसे कि आपको पता है, इस वक्त मैं हूँ वुहान सिटी में। इनफैक्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको एक झलक भी दिखा दी वुहान की नाइट में, है ना। तो आज हम कवर करेंगे वुहान के मेन अट्रैक्शन, यानी कि देखेंगे कि वुहान सिटी में क्या क्या मेन स्पॉट है टूरिस्ट के हिसाब से या फिर लोकल्स के हिसाब से, है ना। तो हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो जय जिनेंद्रायण वणक्कम। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने वुहान की झलक तो दिखाई, लेकिन मैं कहाँ रुका हूँ, मेरी हॉस्टल क्या है, वो सब नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट मैंने वीडियो में ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि ये वीडियो में, मैं आपको हॉस्टल वगैरह सारी डिटेल्स दूंगा। तो इस वक्त मैं रुका हूँ वरी फ्री कैप्सूल हॉस्टल, जो कि वुहान के सेंटर में ही है। और इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, मतलब कैप्सूल कॉन्सेप्ट, बेड है सारे ही खाली है, सिर्फ एक दो को छोड़ के जो यू नो परमानेंट के हिसाब से रुकते हैं वो वही लोग है, बाकी टूरिस्ट तो कोई नहीं है। ये रहा मेरा बेड एज अ टूरिस्ट, मैं अकेला हूँ इस हॉस्टल में। एनीवेज, रेट की अगर बात करूँ तो 180 युआन यानी कि 2100 रुपया 2000 रुपया तीन रात का मैंने दिया है, मतलब 700 रुपए के आसपास पर नाइट का आप कह सकते हो। चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरे को थोड़े बहुत कपड़े धोने थे, वो धोके सुखा लिए मैंने, है ना। और बाहर का भी नजारा थोड़ा बता देता हूँ हॉस्टल का, फिर सीधा निकलते हैं नीचे। आई मीन 14 फ्लोर पे रुके ना, तो नीचे जाते हैं और सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। बाय द वे, ये वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल टॉयलेट है, वेस्टर्न स्टाइल नहीं है। और बाहर से कुछ ऐसा है, उस तरफ गर्ल्स के लिए रूम्स होगी, किचन वगैरह यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हॉट वाटर की सुविधा। ये मेरे को एक पंगा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, हॉट वाटर से ही मैंने काम चलाया, जो भी मेरे को रेडी टू ईट बना के खाना था। जोरदार है ये तो, दूध है उसमें, एवोकाडो है, बनाना है, और ये गेहूं का भी आ रहा है पीसेस, मतलब बहुत हेल्दी है, बहुत यमी है। 8 युआन का, मतलब आप कह सकते हो 96 रुपीस का, लेकिन जोरदार है सच्ची में। मेट्रो पकड़ के जाने वाला था, मैंने सोचा कि जो सुपरमार्केट है जो मेरे हॉस्टल के बिल्डिंग के नीचे ही है, और मेट्रो भी नीचे ही है, मैंने सोचा कि एक बार राउंड मार लेता हूँ, है ना। वहाँ गया और ये मस्त लगा मेरे को, ये पिया, अभी शाम को भी पीऊँगा, कल भी पीऊँगा, मतलब रोज़ाना दो तो ये पीऊँगा ही, मज़ेदार था। वो रहा मेट्रो स्टेशन, जेडोकू मेट्रो स्टेशन ऐसा कुछ नाम है, और वो जो ब्राउन कलर की बिल्डिंग है ना, उसी के 14th फ्लोर पे अपना हॉस्टल है। तो भाई साहब, जो अभी आपने देखा वो है येलो क्रेन, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है वुहान में, और इसकी एंट्री फी है 70 युआन। ये आप गेट देख रहे हो, मेहरबानी ये गार्ड की, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है, सुबह 8:30 से शाम के 5 बजे तक ही रहता है डेली, ठीक है। लेकिन 5:15 बज गए, जिसकी वजह से एंट्री तो बंद है, सिर्फ एग्जिट ही अलाउड है। लेकिन मेरे को अलाउ किया, मैंने कहा कि मैं दूर से आया हूँ,
तो थोड़ा मेरे को एक 5 सेकंड का शॉट लेने दो, तो मेरे को थोड़ा अलाउ किया अंदर आके वो येलो क्रेन का शॉट लेने दिया। अदरवाइज अगर एंट्री करनी थी तो 70 युआन देना पड़ता, जो कि इंडियन करेंसी में 850 रुपया हो जाता। बता दूं कि ये 221 AD से बनना इसका स्टार्ट हुआ था, मतलब उस टाइम से इसका है हिस्ट्री, लेकिन फाइनल ये कंप्लीट हुआ 1981, क्योंकि टूटता है फिर बनाते, मतलब कोई भी पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत वगैरह होती है ना, बस वही बात है। लास्ट मरम्मत इसकी हुई थी 1981, और ये चाइनीज आर्किटेक्चर में बिल्डिंग है, और सबसे मेन है वुहान में। नंबर सुवा 15, ओके 15 बस नंबर, ओके देयर, थैंक यू शिशी फॉर हेल्पिंग मी। तो ये हम आ गए अपने नेक्स्ट स्टॉप पर चंगचुगवान टेम्पल, जो कि है उस तरफ, लेकिन बस ने उतारा इस तरफ, तो हम ये स्काईवॉक की मदद से जाएंगे उस तरफ, ठीक है। बस का किराया था 2 युआन, और हमेशा मेरे पास छुट्टा रहता है ये, लाइक 3 युआन, 2 युआन, 5 युआन, है ना। इनफैक्ट 3 युआन मेरे पास था, वो मेट्रो में चला गया, और बस का हमेशा 2 युआन ही रेट रहता है, चाहे चाइना में आप शेंजन जाओ कि किधर भी जाओ, जहाँ तक मैंने बसें पकड़ी है हर शहरों में 2 युआन ही रेट था। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ ना, मेरे पास 10 युआन की नोट थी, छुट्टे थे नहीं, तो मैंने ड्राइवर को बोला कि यार अभी टिकट कंडक्टर अंदर थोड़ी देता है कि हाँ भाई आपने 10 की नोट दे दी तो वो 8 पकड़ा देगा वापस आपको, ऐसा नहीं होता है। वो मशीन रहती है, आपको डालना रहता है अंदर कॉइन या नोट जो भी है, या फिर आपके पास अगर फोन में वीचैट ऐप अलीपे है तो वो स्कैन करना रहता है। तो मेरे पास ना कोई ऐप्स ना कोई छुट्टा, तो मेरे को ड्राइवर ने सीट बताई, बोला बैठ जाओ ऐसा, तो मैं बैठ गया और बस 10 मिनट में आ गया चंगचुगवान। ये काफ़ी बड़ा टेम्पल है और पुराना है, लेकिन हालांकि कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन बार बार होता गया है, और वुहान में मस्ट विजिट प्लेस है चंगचुगवान टेम्पल। अगर इसकी रेट की बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे भी एंट्री फी है 20 युआन टूरिस्टों के लिए, मतलब फॉरेनर्स के लिए, और जो लोकल है चाइनीज उन लोग के लिए 10 युआन एंट्री फी है। यहाँ पे कुछ रिचुअल्स परफॉर्मेंस हो रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, बिकॉज सही टाइम पे आया हूँ, क्योंकि पूरा दिन थोड़ी चलता है, कुछ टाइम के लिए कुछ मिनट के लिए चलता है, उसी में मेरा आगमन हुआ तो ऐसी बात है, अच्छा तो लगेगा ही। एनीवेज ये मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पेपर जलाते हैं ये लोग, है ना। You're from Wuhan? Yes. What's your name? Fang Xixi. Fang Xixi. Fang Xixi. Fang Xixi. So, ये मैडम मिली है जो वुहान की है और बस फोटो वोटो खिंचा रही थी हर जगह के साथ। Wow, very beautiful. For me? Yes. No, thank you so much, Xixi. 没关系。इन्होंने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया है, अब पता नहीं है क्या काम आता है, मतलब हाथ में पहनते हैं कि क्या है, लेकिन मेरे को अजीब सा लग रहा है, मतलब मैं ऐसे गिफ्ट लेता नहीं रिलीजियस पर्पस के हिसाब से या फिर ऐसा कोई गिफ्ट। शीशी प्लीज थैंक यू प्लीज, ओके बाय बाय। ये पूरा ग्रुप था, फोटो खिंचा रहे थे और मैं भी वीडियो ले रहा था, इन्होंने कहा कि टूरिस्ट, बोला हाँ, बोला इंडू, बोला यस इंडियन, बस फिर तो बाकी का आपको पता ही है कि लोगों को इंग्लिश आती नहीं है ना के बराबर, बहुत कम, बहुत दिक्कत हो जाती है इंग्लिश में, यू नो, बात करना इन लोग के साथ। ट्रांसलेटर हालांकि यूज़ करता हूँ मैं गूगल का, फिर भी वो यूज़ करना, अच्छा ये लोग ऐसा जलाते हैं, मैं नहीं बोल रहा था कि कुछ पेपर वेपर जलाते या क्या करते हैं, देखो ये लोग ये कार्ड जला रहे, अब पता नहीं है क्या सीन है।
ये बुद्धिस्ट टेम्पल जितना सोचा उससे ज़्यादा बड़ा है, बिकॉज काफ़ी सारी एलीज है, एलीज के अंदर छोटे छोटे घर है, ऐसे बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं, आप कह सकते हो वो लोग जो परफॉर्म करते हैं। लेकिन चाइना जो कंट्री है ये एक ऑफिशियली एथिस्ट कंट्री है, लोग रिलीजन को नहीं मानते। हालांकि गवर्नमेंट है ना वो चार रिलीजन को रिकॉग्नाइज करता है, एक तो क्रिश्चियन, एक तो इस्लाम, एक तो बुद्धिज़्म ऑफकोर्स, और एक तो टाइविज़्म, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना इनकी गवर्नमेंट की सरकार की, उसमें तो कोई भी मेंबर उसको अलाउड नहीं है रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करना या फिर किसी रिलीजन को मानना। बीइंग एन इंडियन टूरिस्ट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी चाइना में, ये फैक्ट है भाई। इतना मैं हर वीडियो में तारीफें तो कर ही रहा हूँ कि वाओ ऐसा ऐसा है, जो सच है वही बताओगा ना भाई, अच्छे रोड है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा माहौल है, तो वो अच्छा बताओगा। लेकिन जो अंदर से तकलीफ आ रही है, जैसे कि यार खाना नहीं मिल पाता है बराबर, मेरे को बना के खाना पड़ता है जो भी मैं लाया हूँ इंडिया से, या फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ भी पूछना है तो गूगल मैप्स सही नहीं चलता यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है लोगों को आपको पूछना ही पड़ेगा ना कभी कभी, बिकॉज कैसा रहता है यहाँ के जो मैप्स है बायडू मैप्स या फिर इनके जो चाइनीज मैप्स है वो इंग्लिश में नहीं है, वो इनके चाइनीज लैंग्वेज में है, तो ट्रांसलेट कर करके कितना करोगे। पब्लिक की हेल्प आपको लेनी पड़ती है ऐसे कंट्रीज में, और पब्लिक को फिर इंग्लिश नहीं आती है, वही बात है, दिक्कत तो होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये जो चंगचुगवान टेम्पल है ना बुद्धिस्ट टेम्पल है, जिसके वजह से खाने पीने में भी ये लोग ध्यान रखते हैं, मतलब यहाँ पे एक सेक्शन में वीगन रेस्टोरेंट है। जी हाँ, मजे की बात है कि वीगन रेस्टोरेंट है वुहान में, इकलौता होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज दूसरी जगह तो मिल नहीं रही है। और वही मैं आया हूँ, अभी देखते हैं इनका मेन्यू क्या है, और बेसिकली वीगन का इनका डेफिनेशन क्या है, बिकॉज ओवरऑल वीगन का एक ही डेफिनेशन देते हैं, बट ये चाइना है तो यू नो दो तीन बार पूछकर कोई चीज़ करना सही चीज़ रहती है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन भी देख लो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा ना। सारी चीज़ें मैंने कंफर्म करी, लाइक फिश ऑयल, पोर्क ऑयल, एग, कुछ है तो नहीं ना, तो इन्होंने कहा बिकॉज चाइना है भाई भरोसा नहीं होता, दो बार कंफर्म करके ही कोई चीज़ करना पसंद है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो अभी वही मैं देख लेता हूँ कि इसमें मेरी समझ में क्या एक चीज़ आती है जिसे मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। सो मैंने एक तो ये चीज़ मंगाई, मैंने बोला कि अगर अच्छा रहेगा तो ये वाली क्वांटिटी, मतलब 10 पीस ले लूँगा, पहले एक ट्राई करके देखता हूँ। और चावल सिर्फ 3 युआन का ही था तो वो मंगा लिया, मतलब 5.5 युआन की चीज़ें 65-70 रुपीज़ का मैंने मंगा लिया, तो ये इतना बड़ा आ गया, आप देख रहे हो। जैसे ही आया फिर मेरे को याद आया, अच्छा ये तो वो 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन टेम्पल, ये सब मैं मूवी देखता ना चाइनीज मूवी, उसमें ऐसा सब खाते हैं ये लोग, ये पूरा चावल का रहता है और बड़ा है। हाँ अगर छोटा होता तो मैं बड़ी क्वांटिटी मंगा लेता, लेकिन ये इनफ है, क्योंकि पूरा राइस का है, ऊपर से मैंने ये कप राइस का मंगा लिया, इन्होंने ये वेजिटेबल वाटर दे दिया, पूरा ये दे दिया किटली, जितनी मर्जी आप लेके पी सकते हो, सूप की तरह टेस्ट है, और क्या चाहिए यार। और इसके अंदर जो फीलिंग है, एक तो गोभी की स्मेल आ रही है और दूसरे ग्रीन कलर है, वो मेरे को स्मेल पता नहीं चल रहा है। हाँ जी गाइस, पूरे 5.5 युआन का बिल बना के निकला हूँ इस रेस्टोरेंट से, इतना महंगा बिल। एनीवेज अब निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट स्टॉप पे, जो के है हांजी स्ट्रीट। जी हाँ, हांजी स्ट्रीट, बेसिकली हांजी स्ट्रीट एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, जस्ट लाइक हमने कल रात को जियांगन स्ट्रीट एक्सप्लोर किया था ना, वैसे ही पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, लेकिन कुछ अलग आर्किटेक्चर होगा, वही बात है। तो अभी शाम का भी माहौल है, वहां जाना सही डिसीजन रहेगा और काफी मजा आएगा, तो यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं हांजी स्ट्रीट। ये भाई साहब तो फुल मौज में है, मस्त मेट्रो स्टेशन में पानी की बोतल पे बैठ गए और उधर चार्जिंग में प्लग इन डाल के मस्त गेम खेले जा रहे हैं। अरे ये क्या सीन है भाई, मेट्रो स्टेशन पे ऐसा बार्बर शॉप, जोरदार है ये तो। हाय भिंडियों में ये फ्राई होता है लगता है। हाँ अच्छा, ऐसा लगाते हैं मेटल की सुई में, इसको अभी फ्राई करेंगे मेरे हिसाब से। तो ये हम पहुंच गए चूहे हांजी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, चूहे हांजी मेट्रो स्टेशन, और ये हांजी स्ट्रीट यहीं से स्टार्ट होता है। आगे आगे बहुत ही खूबसूरत सा यू नो स्पेनिश पोर्तुगीज टच मिलेगा, आई मीन कंस्ट्रक्शन वैसी मिलेगी। ये मेरे को एडवर्टीजमेंट का डिस्प्ले कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, मतलब सच कह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो पूरा ओल्ड चाइनीज आर्किटेक्चर का है। इस तरफ भी बड़े बड़े डिस्प्लेस तो है, आपको मिलेंगे, जैसे कि पूरी शोरूम ही एडिडास की, नाइकी की, लेकिन ये जो है ना ये बहुत खास है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इनफैक्ट मैं सीढ़ी देख पा रहा हूँ, सीढ़ी के बीच में कोई चिंग या मिंग डायनेस्टी का राजा का ऐसा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, पूरा स्कल्पचर बनाया हुआ है आप कह सकते हो। इस तरफ है बड़ी बड़ी बिल्डिंगे है, कम से कम 60 माले की बहुत सारी बिल्डिंगे है, और छोटी सी एक नदी बहती है जो कि मिलती है यांगसी रिवर के साथ, जो कि बहुत बड़ी है रिवर वो।
वाह क्या डिस्प्ले बोर्ड है, मतलब दुकान देख लो और बोर्ड देख लो। हाँ हो सकता है कि पूरी बड़ी हो क्योंकि एस्केलेटर भी है, लंबी चौड़ी है जिसकी वजह से इतना बड़ा बोर्ड है इसका। एक क्या लिखा है अपने समझ के बाहर है, एन दिख रहा है, ए दिख रहा है, एस दिख रहा है, बस क्या है पता नहीं। हाँ संजू सनू पता नहीं क्या है, संजू बोल देते हैं अपन और क्या, संजू भाई। वाह 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 ये बच्चों की दुनिया है, मतलब बच्चों को जो पसंद है वो सारी चीज़ें इधर मिलेगी, और बड़ों को जो पसंद है वो किधर है भाई, मतलब कपड़े वपड़े बड़ों लोग के वगैरह। जैक एंड जोन्स चाइना की, चाइना की नहीं है ब्रांड, चाइना में स्टोर जैक एंड जोन्स है, उसमें जो कलेक्शन रहेगा वो देख लेते हैं। बिकॉज जैक एंड जोन्स का मैं फ़ैन तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 जैकेट्स है जैक एंड जोन्स के, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, मतलब मेरे को बहुत पसंद है। जीन्स की फिटिंग इसकी बहुत सही रहती है। बिग सेल अप टू 50% ऑफ, ओके वाह क्या जोरदार है। ऑन दिस 50% 450 युआन का हो गया, मतलब 5000 रुपये का हो गया। 5000 फॉर दिस एंड दिस बोथ, हाँ ओनली जैकेट, ओके ओके ओके। वाओ लुक एट दिस शर्ट मैन, क्या क्लास है, मटेरियल वाइज भी सुपर्ब है। ये क्या ब्रांड है भाई, ओनली, मस्त नाम है ना ओनली। जो भी हो भाई ये देख लो, ऊपर जोरदार है, क्या डिस्प्ले, क्यूब फॉर्म में चारों तरफ एड्स ही चल रहे, कुछ अलग ही लेवल है यार क्रिएटिविटी का, मजा आ गया। हाय आई एम फ्रॉम इंडिया, वेर आर यू फ्रॉम, विच सिटी, बंदी, हाँ यू आर बंदी आई नो, बट वुहान, यू फ्रॉम वुहान ओनली, हुआंगांग, येंजा होय, ओ नाइस नाइस, गाओचिंग चो, तो हंसके क्यों बता रही है क्या, इसमें क्या हुआ, गाओचिंग चो, गाओचिंग चो, नाइस 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 नेम, नाइस टैटू, ओह ओह थैंक यू थैंक यू, ओके बाय 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 बाय। उधर क्या चल रहा है, हाँ शी क्या शर्मा रही है, छोड़ो कोई नहीं शर्मा रही है बिटिया, ओके बाय बाय। वहाँ क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कोई आंटी गाना गा रही है, ये भाई हाथ जोड़ रहा है कि खरीद लो मेरे से, और ये खरीद भी रही है, बहुत खूब यार जोरदार है। अरे वाह खुश हो गया बेचारा, ये देखो ये मस्ती देख लो, मतलब जोरदार है, गिरा मत देना, अरे अरे ये भाई सीढ़ी है भाई संभाल भाग जा बेटा भाग जा भाग जा भाग जा। ये एक अलग से छोटी सी लेन है जिसमें आप देखोगे तो बच्चों के हिसाब से ही बनाई है, मतलब बहुत सारे टॉय स्टोर है, मैकडी है, KFC है, देख रहे हो आप बहुत सारे टॉय स्टोर्स है, ये देख लो। इनफैक्ट बाहर जो बाकड़े आप बोल सकते हो ना छोटे छोटे स्टॉल्स, उसमें भी बच्चों के हिसाब से बहुत से प्रोडक्ट्स है। वेरी गुड वेरी गुड, ओ थैंक यू सो मच शीशि, बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो इस हांजी स्ट्रीट को अलविदा कह के जाते हैं बैक टू अपने हॉस्टल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें हमने वुहान के कुछ कुछ अट्रैक्शंस कवर करने की कोशिश की, हालांकि वुहान में इतने कोई अट्रैक्शंस है नहीं, सच कह रहा हूँ। बेसिकली ये जो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स है ना वही मेन है, जियांगन हो गया, ये हांजी स्ट्रीट हो गया, यही सब मेन है जिसमें यूरोपियन फील आएगा, यूरोपियन टच आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, बड़ी ब्रांड्स के हिसाब से, दैट्स इट। उसके अलावा सिटी सेंटर में है चाइना के, और आना लाजमी है क्योंकि अब चाइना आए हो और वुहान की जो क्यूरियोसिटी कि कैसा है क्या है, इसकी वजह से आए हैं, टूर किए हैं। अब यहाँ से कहीं और जाएंगे, चाइना के और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, है ना। यही बने रहिए, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बाय बाय।